महात्मा गांधी की राष्ट्रवाद का जो प्रमुख एक घटक है वो ये है कि वो ये मानते हैं कि भारत जो है वो गांव का देश है और ग्राम स्वराज पे काफी बल देते हैं। तो ये जो महात्मा गांधी की बात थी ग्राम स्वराज की, ये भारतीय संस्कृति से जोड़ के देखते हैं। उनका मानना है कि भारत में इस तरह से विकसित हुई ये संस्कृति कि हमारा जीवन ग्राम केंद्रित है, गांव के लिए शहर है। हमारे यहाँ जो शहर बने वो एक तरह से कई गांव के बीच में एक आपस का विनिमय करने के लिए शहरों का विकास हुआ और सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ राजा वाजा रहते थे वो विकास हुआ। लेकिन गांव की अर्थव्यवस्था और गांव का स्वावलंबन और गांव का अपना स्वराज, ये भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता रही और यही कारण है कि अंग्रेजों के आने से पहले तक भारतीय गांव अपने आप में स्वावलंबित हुआ करते थे और राज्य संस्था से उनका रिश्ता मात्र इतना हुआ करता था कि वो राज्य संस्था को अपना 1/6 दे देते थे लेकिन उत्पादन का, और उसके अलावा राज्य व्यवस्था उनकी सुरक्षा करती थी। तो महात्मा गांधी गांव की बात करते हैं, इसलिए उन्होंने आज़ादी के वक्त ये बात कही, क्योंकि अंग्रेज ही वो व्यवस्था लाए थे जिन्होंने गांव की उस स्वावलंबित व्यवस्था को तोड़ दिया, बुनकरों को नष्ट किया, किसानों को नष्ट किया। अकाल पड़े जब अंग्रेजों का शासन आया सबसे पहले बंगाल में, तो वहाँ अकाल पड़ने शुरू हुए, किसानों को लड़ना पड़ा, सन्यासी विद्रोह हुआ। तो अंग्रेज जो है वो यहाँ की ग्रामीण स्वावलंबित व्यवस्था को तोड़ रहे थे। फिर अंग्रेजों ने लगान जो है वो मुद्रा में लेना शुरू किया, तो जब मुद्रा में लगान लेना शुरू किया तो गांव वाले को पैसे की आवश्यकता हुई, नोट की आवश्यकता हुई, इसके लिए महाजन आया और महाजन के चक्र में वो लोग फंसे। अंग्रेजों ने जमींदार नियुक्त करे जो लगान में माफ नहीं करते थे, जमींदार उनके इलाके के नहीं थे, उनकी जाति के नहीं थे, तो उनका रिश्ता मजबूत नहीं था, तो उन्होंने बड़े जुल्म किए। तो अंग्रेजों ने जो भारत की ग्रामीण व्यवस्था को तोड़ा और अपनी राज्य व्यवस्था के बल पे वहाँ जो नियंत्रण कायम किया, तो महात्मा गांधी एक सच्चे राष्ट्रवादी के तौर पे इन भारतीय गांव की मुक्ति की बात करते थे। और हम ये जानते हैं कि शहर के पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले भारत के गांव के लोग ही महात्मा गांधी से जुड़े थे, क्योंकि वही उनकी आवाज़ थे। तो महात्मा गांधी की नज़र में अगर आप राष्ट्रवादी हैं और भारत राष्ट्र के लिए चिंतित हैं तो आपको भारतीय गांव की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो महात्मा गांधी अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहते थे कि हमारे देश को आज़ादी मिल गई लेकिन हमारे गांव स्वतंत्र नहीं हुए, हमारे 7 लाख गांव गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? वो अंग्रेजों का जो औपनिवेशिक ढांचा है उसके गुलाम, और वो ढांचा आज तक बना हुआ है। गाँव में गुलामी आज तक व्याप्त है। तो स्वावलंबित गाँव बनाना महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद का एक लक्ष्य है और महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद को मानने वाले लोगों को स्वावलंबित गांव बनाने की लड़ाई में जुटना पड़ेगा। यही महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद का एक विशिष्ट पहलू है।